वेलकम टू ओलीवोल्ड। आरबी मेन स्पेशल 6 मंथ सीरीज आपके लिए चलाई गई है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक की सारी बैंकिंग न्यूज के अंदर कवर की जाएगी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। सबसे पहले हमारे पास जो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ हम बोल सकते हैं कि अमालगमेशन हुआ था विजया बैंक और देना बैंक का, किसके अंदर? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। कितना शेयरिंग था उनका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसका किसके साथ मर्जर हुआ वो इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल अभी जो मर्जर का प्रपोजल आया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैनरा के अंदर किसको मर्ज किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए सिंडिकेट को किया जाएगा। यूनियन के अंदर किसको किया जाएगा? आंध्रा एंड कॉरपोरेशन को किया जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए चार्ज लगाया करेगा। पहली 30 UPI ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री होंगी, उसके बाद बैंक चार्ज करेगा। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। NRI इंस्टा किसने लॉन्च किया? IDBI बैंक ने। और इंस्टा बिज किसने किया? इंस्टा बिज ऐप किसने लॉन्च की थी? ICICI बैंक ने, ठीक है। ICICI बैंक ने लॉन्च की है, तो आपको पता होना चाहिए NRI इंस्टा IDBI ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है लक्ष्मी विलास बैंक अप्रूव्ड द मर्जर विद इंडिया बुल फाइनेंस बैंक। इंडिया बुल फाइनेंस लिमिटेड के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है RBI ने गाइडलाइंस जारी की है बैंक्स के लिए न्यू करेंसी चेस्ट के लिए। करेंसी चेस्ट क्या होती है? खजाना, जहाँ पे करेंसी नोट्स रखे जाते हैं या कॉइन्स रखे जाते हैं। तो उसके लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग रूम के लिए। स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे करेंसी रखी जाती है, सेफ्टी रूम जिसे बोला जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 6.6 लाख पीसीज होने चाहिए बैंक नोट्स एवरी डे। और जो करंट है, जो करेंसी चेस्ट है, उसका चेस्ट बैलेंस लिमिट क्या है? 1000 करोड़ रुपये, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए, 1000 करोड़ रुपये। और अभी करेंसी चेस्ट के लिए कहा गया है कि वो 5 रुपये पर पैकेट चार्ज करते थे, अब वो मैक्सिमम 8 रुपये पर पैकेट तक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम न्यूज़ इसके अंदर देखेंगे। कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है EMV चिप्स की तरफ शिफ्ट होने वाला है। यूरोपीय मास्टर कार्ड वीज़ा बोला जाता है EMV की फुल फॉर्म को। ग्रीन कार लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए SBI ने लॉन्च किया है, ठीक है। वो 20 बेसिस पॉइंट लोअर रेट पे इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन देगा। इसका मतलब अगर 5.20% किसी के ऊपर चार्ज लगा रहा है किसी कार लोन के लिए, और अगर वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है तो उसके ऊपर सिर्फ 5.00% ही चार्ज लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट कम पे दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए SBI ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। RBI ने 20 रुपये का नोट जारी किया महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ के अंदर। आजकल महात्मा गांधी न्यू सीरीज़ के अंदर ही सारे नोट्स आ रहे हैं। साइन किसके होंगे? शक्तिकांत दास जी के होंगे। सिर्फ 1 रुपये के नोट पे गवर्नर के साइन नहीं होते, बाकी सब पे गवर्नर के साइन होते हैं। द डिनोमिनेशन हैज़ मोटिव ऑफ एलोरा केव्स। एलोरा की जो गुफाएँ हैं वहाँ से ये उठाया गया है। एलोरा केव का मोटिव इसके ऊपर रिवर्स साइड पे है। और कमेंट करके बताइए कि एलोरा केव कौन से राज्य के अंदर है। स्टेट बताइए कमेंट करके कौन से राज्य के अंदर है ये एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं। डायमेंशन है 63x129। और जो बेस कलर है वो ग्रीनिश येलो है, येलो इस ग्रीन नहीं है, ग्रीनिश येलो है, ठीक है। ऐसा येलो जो ग्रीन ग्रीन सा लगता है। कैनरा बैंक ने HSBC के साथ टाई अप करके, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप करके वेब एश्योरेंस जारी किया है टू एनेबल इट्स कस्टमर टू परचेज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सके कैनरा बैंक ने। लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर किसको बनाया? कैनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। साइबर डिफेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कौन सा है? साइबर डिफेंस इंश्योरेंस। ये किस चीज़ के लिए है? ये रेपुटेशनल रिस्क से बचने के लिए है ड्यू टू साइबर अटैक्स। SBI मूव टू अ न्यू टैक्स इंटरेस्ट रेट रिजाइम, जो क्या करेगा? अपने सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स जो होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होंगे, वो किस रेट पे देगा? जो RBI की रेपो रेट है उसके ऊपर ये बात की जा रही है। SBI लिंक्ड इट्स इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट विद अ बैलेंस अबव 1 लाख एंड शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट क्या होती है? कोलेटरल के ऊपर आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, और ओवरड्राफ्ट विदाउट कोलेटरल आपको पैसा यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो RBI की रेपो रेट के साथ लिंक कर लिया है SBI ने अपना इंटरेस्ट रेट, जो 1 लाख से ऊपर के जो भी
अकाउंट होंगे 1 लाख रुपए, जिसमें ज़्यादा है उसको रेपो रेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। मतलब वहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आरबीआई की रेपो रेट इंक्रीज होगी तो इसमें भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 5.40 अगर रेपो रेट है तो उस पर भी 5% दिया जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इन लिंक करने का मतलब यह है वो डिक्रीज होगा तो इसको भी डिक्रीज किया जाएगा उतने ही रेट से, और ये इंक्रीज होगा तो इसको भी इंक्रीज किया जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने उद्यम स्किलिंग सेंटर खोला बेंगलुरु के अंदर, उद्यम स्किलिंग सेंटर खोला बेंगलुरु के अंदर, और एक था उद्यम अभिलाषा, ये था सिडबी का, याद रखिएगा, ये पिछले साल था। नाबार्ड ने अनाउंस किया है 700 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर इक्विटी, तो बस कितने करोड़ का किया है ये इंपॉर्टेंट है, 700 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-21। तो आपसे ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि पूछा जा सकता है कि ये विजन कौन सा है, तो विजन 2019-21 2019 से 21 तक का, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग, सारे ई से है देखिएगा, एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सेफ और सिक्योर कन्वीनियंट क्विक अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम को बनाने के लिए है विजन डॉक्यूमेंट। SBI ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है FMCG आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री तत्व के साथ, और योनो ऐप से अगर आप परचेज करते हैं श्री श्री तत्व का कोई भी प्रोडक्ट तो आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको 85 रुपये में मिलेगी। नेक्स्ट है, RBI ने अनाउंस किया है इट विल अलाउ लार्ज करेंसी चेस्ट टू इंक्रीज द सर्विस चार्ज, 5 रुपये से 8 रुपये वो मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, 100 पीसेज होने चाहिए एक बंडल के अंदर, एक पैकेट के अंदर, ये एक पैकेट का प्राइस था 5 से 8, ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक ने कॉर्प SME सुविधा लॉन्च किया, प्रोडक्ट फॉर GST रजिस्टर्ड MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कॉर्प SME सुविधा, ठीक है, कॉर्प से कॉरपोरेशन आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा, बैंक का नाम ही दिख रहा है, बैंक ऑन व्हील्स है इंडियन ओवरसीज बैंक ने अनाउंस किया है बैंक ऑन व्हील फैसिलिटी, ठीक है। तो बैंक ऑन व्हील्स मतलब अब व्हील्स जो होंगे उसके सहारे हम सीज पे मतलब ओवरसीज पे जाके भी काम कर सकेंगे, ओवरसीज मतलब विदेश के अंदर, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड मर्जर ऑफ इंडिया बुल्स एंड लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल के साथ। और लक्ष्मी क्या है, पैसा होता है, पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, एक बियर मार्केट होती है, एक बुल मार्केट होती है, ठीक है, तो वो उतार चढ़ाव देखती है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है वो बुल मार्केट, मनी से, मनी मतलब लक्ष्मी से, पैसे से, तो इंडिया बुल का हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक के साथ, और बंधन का किसके साथ हुआ है, ग्रह स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जारी किया गया है RBI के द्वारा, तो CMS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि CMS क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय RBI ऑन इट्स वेबसाइट। अब क्या होगा कि आपको ओब्सम्बन में कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर इस पे जाके भी कंप्लेंट करेंगे तो RBI क्या करेगा, देखेगा कौन से रीजनल ऑफिस की ये कंप्लेंट बनती है, उस रीजनल ऑफिस को, ओब्सम्बन ऑफिस को वो आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाएगी। रिकमेंडेशन ऑन द बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑफ ऑन करेंसी मूवमेंट, RBI has directed banks to ensure their ATMs to grounded to a wall। हाँ, इसमें क्या बताया गया है आप याद रखिए कि ATMs, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो भी कैश वेंडिंग मशीन्स होती हैं उनको लोग उखाड़ के ले जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उनको एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ सही दीवार के ऊपर सही से लगाया जाना चाहिए ताकि कोई उनको उखाड़ के लेके ना जा सके। RBI ने लेवरेज रेशो जो रखा है वो 4% रखा है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के लिए, जिसमें SBI है, ठीक है, HDFC है और ICICI है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कौन से होते हैं, वो बैंक जो जिन अगर वो नुकसान में चले गए तो इकोनॉमी पे बहुत धक्का लगेगा, ठीक है, और अदर बैंक्स के लिए 3.5% है। RBI की जो एजुकेशन लोन स्कीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लीजिए। लोन जो 10 लाख रुपए तक का होगा वो दिया जाएगा इंडिया में पढ़ने के लिए, और 20 लाख रुपए तक का बाहर जाने के लिए, ठीक है। कोलेटरल फ्री लोन होगा 7.5 लाख रुपए तक का, ठीक है, और कौन सी फंड के अंतर्गत ये दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ऑफ एजुकेशन लोन। रिपेमेंट पीरियड होगा 15 साल तक का रिपेमेंट पीरियड हो सकता है, 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड होगा, मतलब अगर मान लीजिए 6 साल के लिए लोन दिया गया है आपको, ठीक है, 6 साल में आपने सोचा कि पढ़ाई कर लेंगे, 4 साल की BTEC 2 साल की MTEC, उसके बाद हाथों हाथ आपसे पैसे नहीं मांगेगा बैंक,
फिर क्या होगा, आपको कम से कम एक साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा, एक साल तक आपसे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा ताकि आप अपनी जॉब ढूंढ सकें आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना कि आपने जो भी पढ़ाई करनी थी उसके हाथों हाथ आपको जॉब मिल जाए, इसलिए एक साल तक का टाइम दिया जाता है, इसे मोरेटोरियम पीरियड बोला जाता है। मोरेटोरियम पीरियड की डेफिनेशन अगर आप जाना चाहें तो जब तक की पेमेंट, जब तक का लोन होता है ड्यूरेशन उसके और पेमेंट करने के दिन के बीच में जो टाइम होता है इसे बोला जाता है मोरेटोरियम पीरियड। तो एक साल का मिनिमम मोरेटोरियम पीरियड होगा, दो साल तीन साल जितना देश के वो बैंक के ऊपर है, लेकिन कम से कम एक साल का देना पड़ेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एक दूसरे से बैड लोन्स परचेज कर सकेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, जो बैड लोन एक बैंक से खरीदती है, ठीक है। 100 करोड़ का अगर लोन कोई एनपीए हो गया है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती है, 70 करोड़ में खरीद लेंगी और फिर 80 करोड़ रिकवर करने की कोशिश करेंगी, वो 10% जो 10 करोड़ है वही वो अपना प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट है आरबीआई का उत्कर्ष प्लान 2022। याद रखिएगा आरबीआई का उत्कर्ष प्लान कौन सा है, 2022 है और आरबीआई का है। ये किस चीज़ के लिए है, इज इन लाइन विद ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स प्लान टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। सुपरवाइजरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने 2022 उत्कर्ष प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ओपन अंडर जनधन स्कीम, 1,00,000 करोड़ मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया है जनधन स्कीम, ठीक है। जो भी अकाउंट खोले गए थे उन्होंने 1,00,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है डिपॉजिट्स ने, ना कि खातों के संख्याओं ने, ठीक है, डिपॉजिट ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आईएमपीएस नेफ्ट आरटीजीएस के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए हैं, ठीक है। आरबीआई टू रिलीज करेंसी आइडेंटिफिकेशन ऐप फॉर विजुअली चैलेंज्ड, विजुअली चैलेंज्ड के लिए करेंसी आइडेंटिफिकेशन ऐप लॉन्च किया है ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनको जो नोट दिया गया है वो असली है या नकली है। नाबार्ड का अवार्ड मिला है किसको, रेपको माइक्रो फाइनेंस को, ठीक है। रेपको माइक्रो फाइनेंस ने यह अवार्ड रिसीव किया है नाबार्ड का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिंकेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्होंने काफ़ी लोन दिए थे उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, 4-5 औरतों या 10-7-8 औरतों का समूह होता है जो अपने लेवल पर अपनी नौकरियाँ शुरू करता है, मतलब उन्होंने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हैंडीक्राफ्ट का, हैंडलूम का, कुछ भी। बिमल जालान पैनल ने कहा है कि सरप्लस जो रिजर्व है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ठीक है, और 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफ़र पैसा कर दिया गया है एकदम से, ठीक है। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो है वो शट डाउन हो गया है, उन्होंने अपना ऑपरेशन करना बंद कर दिया है। आईपीपीबी क्या है, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो 100% जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है। बेंगलुरु ने टॉप किया मोस्ट डिजिटाइज्ड सिटी के अंदर, हाईएस्ट कार्ड पेमेंट देखी गई थी बेंगलुरु के अंदर, याद रखिएगा हाईएस्ट कार्ड पेमेंट देखी गई थी बेंगलुरु के अंदर। और आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एटीएम फ्रॉड महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये फ्रॉड कौन से हैं, 1,00,000 से ऊपर वाले, अगर 10,000-20,000 रुपये के कोई फ्रॉड हुए हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं किए गए हैं। असम अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, AAT असम अरुणाचल एंड त्रिपुरा के अंदर, ये तीनों स्टेट थे जहाँ पे सिंगल इंसिडेंट भी नहीं देखा गया, लेकिन 1,00,000 से ऊपर वाले की बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, नीचे वाले हो सकते हैं यहाँ भी। NPCI JCB ने रुपे JCB ग्लोबल कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। NPCI JCB ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने JCB इंटरनेशनल के साथ मिलकर रुपे JCB ग्लोबल कार्ड लॉन्च किया, और वैसे भी रुपे NPCI का प्रोडक्ट है तो इसके साथ तो टाई अप करना ही पड़ेगा। RBI ने डिप्यूटी गवर्नर जो BP कानून को है उनको मॉनिटरी पॉलिसी चलाने के लिए चार्ज दे दिया है, आपको पता होगा विरल आचार्य जी ने रिजाइन दे दिया था। यस बैंक लॉन्चेस स्मार्ट एज लेंडिंग प्रोग्राम फॉर MSMEs। स्मार्ट एज, आप जब फ़ोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, स्मार्टफोन की एज अच्छी होनी चाहिए, ये जो एजेस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, देखते हैं ना, ठीक है, तो आप कहते हैं यस हम देखते हैं, तो यस से यस बैंक। यह दुकान वाला पूछता है कि क्या एज स्मार्ट चाहिए, यस, आप यस ही कहेंगे, नो थोड़ी कहेंगे। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको कन्वर्ट कर लिया गया है स्केड्यूल बैंक के अंदर उसको कन्वर्ट, RBI के सेकंड शेड्यूल में इसको शामिल कर लिया गया, इसलिए वो शेड्यूल बैंक बन गया है। और पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या होगा कि ये लोन्स दे पाएगा, पहले जो पेमेंट बैंक होते हैं वो लोन नहीं दे सकते, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक कुछ लोन दे सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोन दे सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लोन दे सकते हैं। आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को अप्रूवल दे दिया है कि ब्रांच खोल सकता है वो मुंबई के अंदर, पहली ब्रांच खोलेगा बैंक ऑफ चाइना इंडिया के अंदर। बैंक्रप्सी कोड जो अप्रूव किया गया है, लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है, उसके अंदर 330 दिन की डेडलाइन है। कंपनीज़ क्या करेंगी, अपना एनपीए बैड एसेट्स को रिकवर कर सकती हैं। पहले 270 दिन का टाइम होता था, अब 330 दिन का कर दिया गया है। तो अर्लियर 270 डेज और अब कितना है, 330 दिन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है शंघाई के अंदर, उसने अपने आप को चाइना के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम के ऊपर रजिस्टर कर लिया है। इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑपरेशनलाइज इट। द CNAPS इज लॉन्च टू बूस्ट इंटरनेशनल यूज ऑफ करेंसी युआन, चाइनीज करेंसी युआन के अंदर इस पे पेमेंट्स हुआ करेंगी। फेडरल बैंक ने फेडनेट इंस्टेंट डीमेट अकाउंट खोलने के लिए डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइड की है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो शेयरिंग पर्पज के लिए होता है। फेडनेट पोर्टल है इनका, फेड से फेडरल बैंक, ठीक है, नेट डीमेट से ही करके बनाया गया है इसको। CAIT ने पार्टनरशिप की है HDFC, मास्टर कार्ड, कॉमन सर्विस सेंटर ऑफ MIETY, ग्लोबल लिंकर टू लॉन्च एन इनिशिएटिव, डिजी व्यापारी सफल व्यापारी। किसके साथ टाइप किया ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कौन सा पोर्टल था, डिजी व्यापारी सफल व्यापारी, जो व्यापारी डिजिटल होगा वही सफल होगा, ये बात कही गई है। DBS बैंक टू एंटर इंडियाज क्रेडिट कार्ड मार्केट, क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर DBS बैंक एंटर कर जाएगा। फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके, DBS की क्या फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर भी बताइएगा कहाँ पे है। मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया आइडेंटिटी चेक एक्सप्रेस। ये क्या होगा, आपको कोई भी कोड लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी से ही लॉक खुल जाएगा, पेमेंट हो जाया करेंगी। RBI ने कहा है कि नेफ्ट है वो 24 घंटे रहेगा आपसे, कब से, दिसंबर 2019 से। स्मॉल फाइनेंस बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल गया है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर HDFC लाइफ इंश्योरेंस को शामिल कर लिया गया है। रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने प्रैक्टो फिनटेक फर्म के साथ टाई अप किया है फॉर को ब्रांडेड हेल्थ क्रेडिट कार्ड। तो RBL ने प्रैक्टो के साथ टाई अप किया है। क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा पावर्ड है, ये मास्टर कार्ड के द्वारा पावर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुक माई फोरेक्स, ये किसके साथ टाई अप किया है, येस बैंक के साथ। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज एंड रेमिटेंसेज के लिए येस बैंक के साथ टाई अप किया है टू लॉन्च अ को ब्रांडेड मल्टी करेंसी फोरेक्स ट्रैवल कार्ड फॉर इंडियन ओवरसीज ट्रैवलर्स। UPI ट्रांजेक्शन्स ने डेबिट कार्ड पेमेंट्स को टेक ओवर कर लिया है। अगर 100 डेबिट कार्ड ट्रांसफर्स हुए थे तो UPI की ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई थी, 120, 1.2 टाइम्स हायर हुई है, ठीक है। और 1.2 टाइम्स का मतलब यही है, 100 से 120 हुई है, ठीक है। नेफ्ट क्या होगा, 24 घंटे चलेगा, ये मैंने आपको अभी करवा ही दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और अमेरिकन एक्सप्रेस ने स्मार्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्मार्ट अर्न किसने किया, अमेरिकन एक्सप्रेस ने। डिजी स्मार्ट किसने किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। RBI ने मैंडेटरी कर दिया है हर बैंक को कि वो अपना जितने भी लोन्स है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, वो 1 अक्टूबर 2019 से रेपो रेट के साथ लिंक कर लेंगे, जैसा कि SBI ने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। हर्षवर्धन सिंह जी के चेयरमैनशिप में कहा गया है कि नेशनल हाउसिंग बैंक को एक इंटरमीडियरी बॉडी बनानी चाहिए जिसके अंदर 51% कम से कम गवर्नमेंट का ओनरशिप होना चाहिए, मतलब वो एक गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। SBI ने कुदुम्बश्री ब्रॉयलर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ टाई अप किया है कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट के लिए, जो क्या काम करती है, पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन का काम करती है, वहाँ पे जो गरीबी है उसको हटाने का काम करती है। तो SBI ने इसके साथ टाई अप किया है। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो ओलीबोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक ग्रुप के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यह टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए ओपन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।